शार्क सीरीज़ के अभी तक मैंने कॉमिक्स पब्लिश नहीं की थी, बट मैं इस बार आपके लिए पब्लिश कर रहा हूँ। शार्क सीरीज वैसे भी जब मनोज कॉमिक्स इंडस्ट्री बिल्कुल शटडाउन के कगार पे थी, तो उस समय शार्क सीरीज़ की कॉमिक्स आई थी। विनाश, चक्रव्यूह युगांधर, आक्रोश और विश्व की तबाही, मतरोमा, अच्छी कॉमिक्स थी ये। शार्क के जीवन का सबसे हैरतअंगेज क्षण था वह जब स्पार्क ने उस पर हमला किया था। नहीं स्पार्क, नहीं, यह तुझे क्या हो गया है पगली? पागल हो गई हूँ मैं, अब तक तुझे अपनी पीठ पर सवार किए तेरे हुक्म का पालन करती रही, लेकिन अब नहीं। तेरा कसूर यह है शार्क कि तूने अपना नाम शार्क क्यों रखा, लल्लू कल्लू या मटल्ली क्यों नहीं? आए बुरी तरह चौका शार्क। हा हा हा, बस बिजली, बस बहुत हुई यहाँ दिल लगी, अब और ना सता शार्क को, देख लो बेचारे की क्या हालत हो गई है। अरे स्पार्क तू, तो फिर यह कौन है? बड़ी चंचल और एक नंबर के शैतान है यह। उफ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था शार्क। तुम्हारे लिए अपने खून की एक एक बूंद बहा सकती हूँ शार्क, भला तुम पर हमला करने की कैसे सोच सकती हूँ मैं? हे जल देवता, हमारी इस छोटी सी दुनिया को किसी की नज़र ना लगे, किंतु नज़र तो लग चुकी थी। यह मेरी जुड़वा बहन बिल्ली है, यह दूसरे सागर में रहती है, कुछ दिनों के लिए मेरे पास आई है। सनसनाते हुए सात तीर उस मछली के खुले मुंह में जा धंसे। शाबाश चीतकार, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, मेरे साथ आओ। उस रहस्यमय कक्ष में पहुँच सामने लटक रहे पर्दे को उठाया गुरु थामा ने। पर्दा हटते ही जो मंजर चीतकार ने दिखा वह उसके कंठ से चीख निकाल देने के लिए काफ़ी था। लाश, यह तुम्हारे पिता की लाश है फाल्टर, वत्स जो शार्क का हाथ मारे हुए थे। कैसे? यह सवाल चीख चीख कर गुरु थामा ने पूछा चीतकार से। सदियों पूर्व बरमुदा में वल्लरी नाम की एक स्त्री रहती थी। एक दिन उसके पुत्र शक्तिमान और तुम्हारे पूर्वज वाल्टर युद्ध में एक दूसरे से लड़ते हुए मारे गए। वल्लरी उस क्षण एक कठोर प्रतिज्ञा करते हुए पत्थर की प्रतिमा में बदल गई। सदियों बार शक्तिमान ने शार्क के रूप में जन्म लेकर तुम्हारे पिता की फाल्टर को मारकर अपनी माँ की प्रतिज्ञा पूरी की और वाल्टरी पुनः सजीव हो उठी। प्रतिज्ञा यह थी कि जिस दिन उसका बेटा वाल्टर उसके वंश का शरणनाश करेगा उस दिन वह पुनः सजीव रूप धारण करेगी। लेकिन वाल्टर के पूरे वंश का नाश कहा हुआ, उस वंश का आखिरी चिराग यानी अभी मैं जिंदा हूँ, फिर वल्लरी पुनः सजीव कैसे हो गई? यह सच है कि तुम फाल्टर के बेटे हो, किंतु तुमने फाल्टर की पत्नी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, क्योंकि अपनी संतान फाल्टर ने तुम्हें गोद लिया था, इसलिए फाल्टर की मौत के साथ एक प्रकार से उसका असली वंश भी समाप्त हो गया था। तो फिर मेरा असली पिता कौन है? यह वक्त आने पर जान जाओगे चीतकार, फिलहाल तुम्हें शार्क को मारकर अपने धर्म पिता फाल्टर की मौत का बदला लेना होगा। गुरु थामा हुआ 20 फीट लंबा पुरुष था, वह पुतला था, वह जिसकी तरफ बढ़ रहे थे दो धधकसी मशाल लिए दो हाथ, एक क्षण के लिए ठिठके हुए हाथ। देख क्या रहा है मेरे बच्चे, जला कर खाक कर दे इसे। अगले क्षण धू धू करके जल उठा वह पुतला। कुछ क्षणों में सिर्फ राख का ढेर बचा था, जिसमें से चुटकी भर राख उठाई उस रहस्यमय स्त्री ने और भर डाली अपनी मांग। मांग भरते समय साक्षात रणचंडी सा कहर झलक रहा था उसकी आँखों में। यह सब क्या है माँ? आप हर वर्ष पूर्णमासी के दिन गुरु थामाक नामक इस शख्स का पुतला मेरे हाथों जलाकर उसकी राख से मांग क्यों भरती हैं? यह लंबी कहानी है पुकार बेटे, बस इतना समझ ले कि एक दिन इस पुतले की जगह साक्षात उस दुष्ट को जलाकर उसकी राख से अपनी मांग भरूंगी मैं, और वह पूर्णमासी का ही दिन होगा। जा बेटे, तुझे शीघ्रातिशीघ्र थामा नामक उस दुष्ट को बंदी बनाकर मेरे पास लाना होगा। चल पड़ा पुकार। यह विधाता कैसा लेख लिख रहा था, उधर शार्क की तरफ बढ़ा जा रहा था चीत्कार और इधर गुरु थामा की तरफ बढ़ रहा था पुकार। दोनों की मंजिलें अलग अलग थी, किंतु मकसद एक, अपना अपना प्रतिशोध पूरा करना। शार्क द्वारा नियुक्त की गई निगरानी सेना का एक सदस्य सी हॉर्स, सागर में निगरानी रखने की मेरी ड्यूटी खत्म हुई, अब आराम से घर जाकर लंबी नींद सोऊंगा, कल सुबह फिर ड्यूटी पर जो आना है। न जाने किस किस दिशा से छूटे उन तीरों ने रोक डाली सी हॉर्स की राह, या तीर किसने छोड़े,
यह तीर हमने छोड़े हैं सीहॉर्स, क्योंकि सवारी के लिए हमें तुम जैसे प्राणी की आवश्यकता हो सकता है। क्या तुम शार्क द्वारा बनाया गया समुद्र का कानून नहीं जानते? समुद्र का कोई भी प्राणी किसी दूसरे प्राणी पर जबरन जुल्म नहीं कर सकता। ना मैं सागर के कानून को मानता हूँ, ना ही शार्क को। धड़ाक। अभी सी हॉर्स पर सवार होने ही वाला था, चित्कार के, रुक जाओ अजनबी, मेरे शिकार पर हाथ डालने वाले कौन हो तुम? पुकार कहते हैं मुझे, अब यह शिकार मेरा है। चीते से झपट ही तो पड़ा था चित्कार। लगता है अपनी माँ को आखिरी बार अलविदा कहकर आए हो। तुम शायद अपने पिता को अंतिम बार प्रमाण करके आए हो। दो महारथियों की लड़ाई में सी हॉर्स कब का वहाँ भाग चुका था। इस दिलचस्प लड़ाई को बराबर देख रही थी बिजली, जो सागर में घूमते घूमते अचानक इधर आ निकली थी। बिजली की मौजूदगी से बेखबर दोनों एक दूसरे से उलझे हुए थे, और वह दृश्य कितना मज़ेदार होगा जब तेरा पिता ही तेरी चिता को अग्नि देगा। मुझे बड़ा दुख होगा पुकार, अब तेरी माँ तेरी लाश पर खून के आंसू रोएगी। ताकत, चुस्ती, फुर्ती, बाहुबल और रण कौशल में बराबर थे वो दोनों। न जाने कब तक चलता रहता युद्ध, यदि वातावरण में न गूंजती वह आवाज़। ठहरो, व्यर्थ लड़कर अपनी शक्ति को बर्बाद न करो। दोनों आपस मिलकर अपनी ताकत दुगनी करो और फिर अपने दुश्मनों पर टूट पड़ो। ओह, यह आवाज़ कैसी! कोई अज्ञात शक्ति हमें यह आदेश दे रही है, अवश्य उसके आदेश में कोई रहस्य छिपा हुआ है। तो फिर यह वादा रहा, हम दोनों अपने अपने दुश्मनों को ख़त्म करने में एक दूसरे की मदद करेंगे। चित्कार और पुकार का यह मस्त भरत मिलाप छिपा ना रह सका बिजली की निगाहों से। मुझे फ़ौरन शार्क को सारी खबर देनी होगी। बराबर मुस्कुराया जा रहा था शार्क। यह कौन सा नया मजाक किया है तुमने बिजली? इस बार मैं मजाक नहीं कर रही हूँ शार्क। वो दोनों शायद तुम्हारी जान लेने आ रहे हैं, मेरी बात का विश्वास करो शार्क। इसकी किसी बात का विश्वास न करना शार्क, यह बड़ी शैतान है। इस बार तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए इसने कोई नया तरीका सोचा है या नहीं? इस बार नहीं, उफ, मेरी बात का विश्वास कोई नहीं करता, लेकिन मैं जीते जी उन्हें शार्क तक नहीं पहुंचने दूंगी। अभी कुछ ही दूर पर जा पाई थी बिजली की, देखना होगा वे दोनों इस समय कहाँ हैं। अरे शार्क, निसंदेह शार्क ही था वो। यही है ना वो जो मुझे मौत की घाट उतारने आ रहा था? हाँ, लेकिन ये तुम्हारी कैद में। दरअसल मैं तुम्हें उसी समय सतर्क हो गया था जब तुमने मुझे इसके बारे में बताया। मैं जानबूझकर तुम्हारी बात मजाक में टाल रहा था ताकि इसे चुपचाप पकड़ सकूँ। तुम्हारे जाते ही मैं इस तक पहुंच गया, मेरे अप्रत्याशित आक्रमण ने इसे बौखला दिया। वैसे भी यह मेरे आगे कब तक टिक सकता था, किंतु दुख इस बात का है कि तुम्हारा दूसरा साथी बचकर भाग निकला, और खैर कब तक बचेगा वह, इसे छुड़ाने जरूर आएगा। सार की बातें सुन चित्कार के होठों पर थिरक रही मुस्कान उस समय गायब हो गई जब फिजा में गुजी वह गर्जदार आवाज, वह इशारे, छुड़ाने कभी नहीं आएगा चलिए, क्योंकि वह तू ही है। मुस्कुरा उठा शार्क। ओह, तो तू अपने साथी को बचाने के लिए मेरा ही रूप धर कर आया है, बहुत खूब। मुझ तक पहुंचने के लिए तुमने मेरा ही रूप धर कर अपने साथी को बंदी बना लिया और बिजली को बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन मैं तुम्हारे इस खूबसूरत चाल का साथ साथ तुम दोनों की धज्जियाँ उड़ा कर रख दूँगा कमीनों। अवाक रह गया चित्कार। मैं चाहकर भी नकली शार्क बने पुकार की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ऐसा करते ही वह प्रकट हो जाएगा इनमें से पुकार कौन है और असली शार्क कौन। न जाने कब तक चलती रहती है लड़ाई, यदि बिजली बीच में न कूद पड़ती। ठहरो, तुम दोनों में से असली शार्क कौन है इसका फैसला मैं करूँगी। तुम्हें एक एक भाला मेरी ओर फेंकना होगा, जिसका भाला पहले मेरे जिस में धंसेगा वही असली शार्क होगा। चीख तो पड़ा शार्क। नहीं बिजली, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर नहीं। तब तक पहला शार्क भाला फेंक चुका था। उफ, यह क्या खचाक! बिजली, अब सिद्ध हो गया ना कि असली शार्क मैं ही हूँ? बिजली, नहीं, तुम असली शार्क नहीं हो। असली शार्क मर सकता है, किंतु किसी निर्दोष प्राणी को कभी नहीं मार सकता। आह, असली शार्क वो है जिसने मेरी तरफ भाला नहीं उछाला, किसी लुटे पिटे अंदाज में खड़ा रह गया पहला शार्क। उफ, मैंने यह क्या गड़बड़ कर डाली। बिजली की बाहों में भर कर रो पड़ा शार्क। असली नकली के चक्कर में तूने अपना जीवन क्यों दांव पे लगा डाला बिजली? तुम्हें यह बताने के लिए कि बिजली हर समय मजाक नहीं करती, कभी कभी गंभीर भी हो जाया करती है। सुबह बिजली की मौत पर ज़्यादा मत रो शार्क, तुझे भी बिजली के पास ही पहुंचाने आ रहा हूँ। चित्कार भी झपट खड़ा शार्क पर। तेरा सिर लिए बिना गुरु थामा के पास नहीं जाऊँगा मैं। एक पल के लिए बिजली सी कौंधी मस्तिष्क में,
गुरु थामा यह तो उसी दुश्मन का नाम ले रहा है जिसके नाम की राखमा अपनी मांग में भरती है। एक पल के लिए असावधान हो गए पुकार, और यही एक पल उसकी मौत का कारण बन गया। शार्क को अब कहाँ रहा करना था पुकार पर। आह, अचानक उठी पानी की वह तीव्र लहर, रूश, एक पल के लिए सब कुछ लहर में खो गया। अगले क्षण हैरत का सागर ठाठे मार रहा था सागर की आंखों में। उफ, उस लहर में न जाने कहाँ चले गए दोनों, लेकिन वो दोनों कत्ल क्यों करना चाहते थे। सागर में न जाने कहाँ, गुरु थामा को कैसे जानते हो तुम? वो मेरे गुरु हैं पुकार, उन्हीं की आज्ञा से तो मैं शार्क से बदला लेने निकला था, लेकिन तुम? मैं भी अपनी माँ के कहने पर गुरु थामा को बंदी बनाने निकला था कि किस्मत ने हम दोनों को मिला दिया, लेकिन क्यों? उखड़ती सांसों पर काबू पाते हुए पुकार ने सुने अपनी माँ की अनोखी प्रतिज्ञा वाली बात। मैं अपनी माँ की प्रतिज्ञा पूरी न कर सका चित्कार, लेकिन वादा करो तुम मेरा मकसद पूरा करोगे। मैं तुम्हारी लाश पर हाथ रखकर सौगंध खाता हूँ पुकार, यदि सचमुच गुरु थामा ने तुम्हारी माँ के साथ अन्याय किया है तो मैं स्वयं गुरु थामा को बंदी बनाकर तुम्हारी माँ के पास ले जाऊँगा, चाहे मुझे उन्हें लाश में क्यों न बदलना पड़े। चौक कर उठ बैठे गुरु थामा। नहीं, यह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हा 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 हा, तू विधाता के लेख को नहीं मिटा सकता थामा, उसकी कलम से निकला हर शब्द कभी न कभी सच होकर रहता है। छलक पड़ी गुरु थामा के मस्तक पर पसीने की बूंदें। अब मुझे शार्क ही इस विपदा से बता सकता है, मुझे तुरंत शार्क से मिलना होगा। प्रतिदिन की भांति आज भी राख से अपनी मांग भरती भरती वह स्त्री अचानक, माँ, आंखें फटी रह गई उस दृश्य को देखकर जिसमें रबर की गेंद की तरह उछला था। क्या हुआ मेरे बेटे पुकार को? मर गया माँ, शार्क ने इसे मार डाला। राख की डिब्बी हाथ में छिटक कर पैरों के निकट गिरकर चूर चूर हो गई। आखिर तुझे काल के नाग ने डसी लिया मेरे बच्चे, अब कौन लाएगा थामा का शव? मैं लाऊंगा, लेकिन पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ? माँ की तूने थामा का शव क्यों चाहिए और क्यों? तू उसकी राख से अपना मांग भरना चाहती है क्योंकि वह दुष्ट मेरा पति है। चित्कार आवाक, मानो कहीं कोई बड़ी सी लहर चट्टान से टकरा कर बिखर गई हो। हाँ, वह दुष्ट मेरा ही पति है। वह दिन हमारे लिए कितना खुशी का दिन था। सच करियो पल्लवी, हमारा दूसरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हाँ स्वामी। आहा, आज कितनी खुशी का दिन है। मैं भविष्य दर्पण में आने वाले बच्चे का भविष्य देख के आता हूँ। भविष्य दर्पण पर जो कुछ लिखा है उसे पढ़कर चीख निकल उठी गुरु थामा कंठ से, नहीं नहीं। भविष्य दर्पण पर मानो करंट रूपी शब्दों का जाल बिछा था। अपने दूसरे बेटे के आगमन पर ज़्यादा खुश मत हो थामा, तेरा होने वाला बच्चा ही तेरी मौत का कारण बनेगा। यदि 20 साल बाद तेरे दोनों बेटों ने एक दूसरे का मुंह देखा तो एक बेटा तत्काल मारा जाएगा, वह दूसरा बेटा तुझे मार डालेगा। नहीं, मैं अपने दूसरे बेटों को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। नहीं स्वामी, यह नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर रहूंगा। पागल मत बनो पल्लवी, अपने बच्चे को जन्म देकर तुम एक प्रकार से अपने पति का काल इस दुनिया में ला रही हो। बिफर पड़ी शरणी, आप एक भविष्यवाणी से डर गए स्वामी? काहे के शक्ति पुरुष हैं आप? अगर तू नहीं समझती तो मुझे मजबूरन तुम्हारा वध करना पड़ेगा पल्लवी। गुरु थामा के फेंके गए अस्त्र से न सिर्फ बची पल्लवी बल्कि दौड़ती चली गई। न जाने कब तक दौड़ती रही दौड़ती रही। फिर थकान से चकनाचूर एक जगह पर गिर पड़ी। थामा ने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे ढूंढ नहीं पाया। उसके बाद मैंने पुकार को जन्म दिया। हर वर्ष उसकी थामा के पुतले का दहन करवाकर उसकी राख अपनी मांग में भरती रही, लेकिन आज मेरा बेटा सुबह चिंता करो ना माँ। भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हारा एक बेटा तो मारा गया, किंतु दूसरा बेटा तेरे सामने खड़ा है। तू? हाँ माँ, मैं वही तेरा बड़ा बेटा चित्कार हूँ, जिसे तू 20 साल पहले थामा के पास छोड़कर चली आई थी। मुझे यह भी रहस्य पता चला जब पुकार वह मेरे 20 साल के पास मिलते ही पुकार की मृत्यु हो गई, लेकिन अब थामा का शव मैं तुझे ला कर दूंगा। चल पड़ा चित्कार। अचानक प्रकट होते हुए उस प्रकाश पुंज को निहारे जा रहा था शार्क, जो एक धीरे धीरे मानवाकृति धारण कर रही थी, और जब वह मानवाकृति पूर्ण हुई तो शार्क उछल पड़ा। हैरान न हो शार्क, मेरा नाम गुरु थामा है और मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। कैसी मदद? जवाब में गुरु थामा ने शार्क को सारी कहानी कह सुनाई। तत्पश्चात बहुत खोजने के बाद भी जब पल्लवी न मिली
मैं अपने बड़े बेटे चित्कार को लेकर सम्राट फाल्टर के पास पहुंचा। अब आप नहीं संतान नहीं रहेंगे सम्राट फाल्टर, मैंने अपना बेटा आपको दान कर दिया, अब यही आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। किंतु एक बात का ख्याल रहे, 20 साल तक चित्कार सिर्फ आपके और मेरे अलावा किसी तीसरे का मुंह न देखे, और आप चित्कार को कभी नहीं यह बताएंगे कि इसका असली पिता कौन है, जो आज्ञा गुरुदेव। लेकिन विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है शार्क? 20 साल बाद मेरा एक बेटा मारा गया और दूसरा बेटा अब मेरा वध करने आ रहा है। आप चिंतित न हो गुरु थामा, शार्क रहते कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। इधर चित्कार की प्रतीक्षा कर रही पल्लवी चौक उठी, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य देख, ले और ले दुष्ट बाजी दल्लाद। देखा नहीं गया पल्लवी से वह दृश्य, यह का कार्य बहन, कौन हो तुम और यह युवक कौन है? मैं पास ही स्थित नगरी में रहने वाली एक गरीब स्त्री हूँ बहन, और इस नीच मेरा पति है। इसने कल शराब पीकर मेरे पति पर हाथ उठाया बहन, और उन्हें पीट पीट कर अपाहिज कर डाला। तुम तो जानती हो ना, एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, किंतु अपने पति पर होने वाला जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। पगलाई सी खड़ी रह गई पल्लवी, कितनी अद्भुत है यह स्त्री, और एक मैं हूँ जो अपने ही पति को मार डालना चाहती हूँ। नहीं, मुझे चित्कार के हाथों अपने पति को मरने से रोकना होगा। घंटियों की आवाज़ से गूंज उठा जल देवता का मंदिर, टन टन, इंसाफ करो जल देवता, इंसाफ करो, इंसाफ करो, टन। इधर चट्टान बनकर चित्कार के सामने खड़ा था चार्क। जल तरंगों की मदद से मैंने तेरा पता लगा लिया चित्कार, अब गुरु थामा को मारने का विचार त्याग दे तू। चीते के भांति शार्क पर झपटा चित्कार, दुनिया का कोई बेटा अपनी माँ को आदेश नहीं टाल सकता शार्क, मैंने भी गुरु थामा को बचाने का प्रण लिया है चित्कार, और मेरे माँ को पिताश्री का शव सौंपने का वचन दिया है। अगर सागर का बेताज बादशाह था शार्क, तो चित्कार भी गुरु थामा का बेटा था, रण कौशल कूट कूट कर उसमें भरा था उसमें। अब किसी एक की मौत के साथ ही समाप्त होना था यह रोमांचक युद्ध। कुछ छोड़ों में फैसला हो गया कि मौत किसे मिलनी है। हा 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 हा, क्यों शार्क, अपने आप को सागर का बेताज बादशाह कहता है तू, लेकिन देख तेरे पास सब कुछ होते हुए माँ की ममता नहीं है, वो ताकत सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। जिसके सिर पर माँ का आशीर्वाद हो वो कभी पराजित नहीं होता शार्क, आज मैं तुझे मारकर अपने धर्म पिता फाल्टर की मौत का बदला लूँगा। नहीं चित्कार बेटे नहीं, शार्क छोड़ दे, मुझे ले चल पल्लवी के पास, आज मुझे पता चला कि विधाता के लेख को कोई नहीं बदल सकता। यह आपने ठीक कहा पिताश्री, शार्क को मैं बाद में तड़पा तड़पा कर मारूंगा, पहले आप ही सही, रुक जा बेटा। किंतु तीर कमान से निकल चुका था, अंतिम क्षणों में गुरु थामा के सामने दीवार बनकर आ खड़ी हुई पल्लवी, आह खच माँ, यह तुमने क्या किया माँ, पगले रोता क्यों है, विधाता का लेख मिटाया नहीं जा सकता, किंतु बदला तो जा सकता है ना। एक औरत ने मेरी आंखें खोल दी बेटे, मुझे एहसास हो गया कि एक नारी के लिए इस दुनिया में सुहाग से बड़ा और कोई नहीं होता, इसलिए मैंने जल देवता के आगे गिड़गिड़ाकर विधाता के लेख में थोड़ा परिवर्तन करवा दिया है। तेरे पिता अब सैकड़ों बरस और भी जी सकेंगे पुत्र, क्योंकि मैंने अपने हिस्से की आयु इन्हें दान दे दी है। पल्लवी की लाश पर फूट फूट कर रो पड़ा चित्कार, अवाक रह गए गुरु थामा, पगला ऐसा खड़ा रह गया शार्क भी। सचमुच नारी भगवान की अनमोल देन है, जिसके हृदय की विशालता को आज तक स्वयं भगवान भी नहीं समझ पाया। समाप्त। गाइस कैसी लगी आपको इसकी स्टोरी? मुझे लगा होगा बहुत बेहतरीन इसकी स्टोरी थी, सुहाग से बड़ा ये कॉमिक्स की। तो मनोज कॉमिक्स इसीलिए ज़्यादा चर्चित था बेहतरीन कहानियों के लिए। अब ये अगली सीरीज एक है ये कॉमिक्स मत्रोमा, ये शार्क की एक ज़बरदस्त कॉमिक्स है, इसको भी जल्दी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। शार्क पे अभी तक मैंने कॉमिक्स नहीं बनाया था, इसलिए आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। कृपया अपने बहुमूल्य राय कमेंट्स ज़रूर करें मेरे व्लॉग्स पर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.
इन फ्यूचर मैं एनिमेशन वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपके प्रेम और सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू गाइस।